अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रामेश और आप देख रहे हैं बाबा फन आदर्सी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बरान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आपने मेरे जो उम्रा वाले व्लॉग्स थे वो बहुत मोहब्बत से देखे, बहुत अकीदत से देखे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, और उन कमेंट्स में सबसे ज़्यादा आने वाला कमेंट ये था कि भाई कितना खर्चा आया, कितना खर्चा आया, किस एजेंसी के थ्रू आप गए हैं। तो आज की वीडियो में मैं सारा गाइड करने वाला हूँ कि मैं किस एजेंसी के थ्रू गया था और वहाँ पे हमारा कितना खर्चा आया था, जाने का कितना खर्चा आया था, क्या क्या मामलात थे। तो इस वीडियो में मैं आपको उम्रा की तमाम गाइडलाइन देने वाला हूँ कि आपका कितना खर्चा आएगा उम्रा पे। तो सारी चीज़ें जो है वो मैंने पहले से लिख ली हैं ताकि मैं अच्छे से लिखी। किंजा ने, थैंक यू सो मच किंजा, किंजा वीडियो बना रही है, बाद में व्लॉग में भी आएगी। सो ये सारी चीज़ें किंजा ने लिखी, हमने मिल के इनको जो है ना हर चीज़ को लिख लिया था ताकि जो है जब हम व्लॉग बनाएं ताकि अच्छे से आपको समझा पाएं। तो सर बात शुरू होती है यहाँ से कि जो हमारा पैकेज था ये 10 दिन का पैकेज था। इसमें अब समझने वाली बात यह है, जो 10 दिन वाला पैकेज होता है ना उसमें एक दिन आपका जाने का लग जाता है और एक दिन आपका आने का लग जाता है, 2 दिन आपके ये जाए हैं, ये इसमें से निकाल दें। सो सबसे पहले साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी देता जाऊंगा। आपने कोशिश करनी है कि अगर आप उम्रा पे जाएं तो कम से कम 15 दिन का पैकेज जरूर लें ताकि अगर आपका एक दिन जाने का और एक दिन आने का निकल जाए तो आपके पास बाकी 13 दिन होने चाहिए। 10 दिन बहुत शॉर्टली गुजर जाते हैं, आपकी थकावट ही नहीं उतरती और टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजर जाता है। सो ये हमारा 10 दिन का पैकेज था। ट्रिपल रूम कॉस्ट, यानी एक रूम में जो 3 आदमी रहेंगे, 3 लोग रहेंगे, 3 पर्सन, वो आपको कॉस्ट करेगा पर पर्सन 320,000। अगर आप 3 लोग हैं और एक कमरे में ही 3 लोग रहते हैं, एक बंदे का जो खर्चा आएगा वो फिर 320,000 आएगा। और आप 2 लोग हैं, 2 लोग एक कमरे में रहते हैं, तो वो फिर एक बंदे का खर्चा जो है 340,000 रुपये आएगा, जो टोटल हमारे बनते थे 16,40,000 रुपये 5 बंदों के। बाद में इस एजेंसी ने हमें जो है वो डिस्काउंट दिया और ये हमारे बन गए 15,40,000 रुपये, 1,00,000 रुपये 5 लोगों पे उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया। अब आगे आ जाते हैं, जो हमारा पैकेज था 10 दिन का, इसके अंदर जो है हमारा होटल इंक्लूड था, ब्रेकफास्ट जो है वो होटल की तरफ से होता है, और क्या कहते हैं उसको, वो 10 years later वो होती है कुछ इंक्लूड जो होती है, क्या कहते हैं उनको यार, ब्रेकफास्ट जो था हमारा वो कॉम्प्लीमेंट्री था, वो होटल की तरफ से होता है। उसके बाद जो टोटल हम साथ लेके गए थे सिर्फ ब्रेकफास्ट होटल की तरफ से था, बाकी खाना पीना हमारा अपना था। हम साथ लेके गए थे 10,150 सऊदी रियाल, यानी 5,49,000 5,50,000 के हम, नहीं 6,00,000 के रियाल लेके गए थे, 5,50,000 के या अराउंड अबाउट, यहाँ पे किंजा में जो हमने लिखा हुआ 5,50,000 के हम रियाल लेके गए थे, जो तब के रेट के मुताबिक अभी रियाल का रेट 3-4 रुपये बढ़ गया है, जो 10,150 रियाल बनते थे सऊदी रियाल। सो अब ये तो होगी इस पैकेज की कॉस्ट। और मैं बता दूं जो हम रियाल साथ लेके गए थे, क्योंकि मक्का में और मदीना में खाना दोनों जगहों पे महंगा है, सो हमारे ऑलमोस्ट सब रियाल लग गए थे वापसी पे, हमारे पास कुछ नहीं था, वही थे जो हमने एयरपोर्ट पे खर्च कर दिए, क्योंकि हमने शॉपिंग भी की थी और हमने अच्छी अच्छी जगहों पे ज़्यादा एक्सपेंसिव खाना भी खाया था, मंदी भी खाई थी, तो हमने ज़्यादा, अगर आप इससे कम कॉस्ट में भी अपना जो है वो बजट वो कर सकते हैं। सो हम अगर 10,150 को अगर हम मल्टीप्लाई तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं 5 लोगों पे, तो ये कितना बनता है ये कर लेते हैं। 10,150 सऊदी रियाल को जब हम तकसीम करते हैं 5 लोगों पे, तो ये बनता है 2,030 रियाल। सो अगर आप नॉर्मल बजट लगा के चलें, अगर आपका पैकेज ऐसा हो जिसमें आपका खाना इंक्लूड नहीं और आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप कम से कम पर पर्सन 1,500 रियाल अपने पास रखें, या 1,000 रियाल से 1,500 रियाल रखें। ये मैं खुला खर्चा बता रहा हूँ, हमने तो ज़्यादा ही लारें बैरें की थी, शॉपिंग वॉपिंग परफ्यूम थोड़े महंगे खरीदे थे, सो ये खर्चा होगा आपका। और सर इसमें था जो हमारा पैकेज था, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी, इसके अंदर हमारी जो है एयरपोर्ट टू होटल क्या कहते हैं उसको ट्रांसपोर्ट इंक्लूड थी, और ज़्यारात इंक्लूड थी, और ये 10 दिन का पैकेज था जिसमें एक दिन आने का और एक दिन जाने का निकाल दें, बाकी 8 दिन बचते हैं, और 8 दिन में से 2 दिन ज़्यारात के थे। इस ग्रुप के साथ, जिस कंपनी के साथ हम गए थे, ज़्यारात वैसे ज़्यादा थी, लेकिन इस कंपनी ने हमें ज़्यादा ज़्यारात नहीं करवाई थी,
आप अगर खुद से करना चाहें तो आप खुद से भी जाके फिर बाय टैक्सी करा के कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, क्योंकि जिस कंपनी के साथ गए थे ताकि वो मज़ीद फ्यूचर में ताकि वो भी अपने काम को बेहतर कर सकें, कि ज़्यारात एक तो प्रॉपर होनी चाहिए और उन ज़्यारात का प्रॉपरली एक पहले से किंजा तुम आओ साथ। अब जी अली साहब वीडियो बनाने आ गए, अब किंजा साथ आ गए, किंजा बताओ। अच्छा जी, सबसे मेन प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस किया था कम दिनों में होते हुए वो ये था कि दो दिन हमारे जो थे मक्का में एक दिन और एक दिन मदीना में, वो हमारा ज़्यारात के अंदर सारा स्पेंड हुआ था। ठीक है, अब उसमें मेन इशू जो हम सारों को लगा था एज अ ग्रुप भी और एज अ फैमिली भी, वो ये था कि एक तो हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को विजिट करेंगे और देखेंगे। ठीक है, अब इशू ये था जो कि एक तो दिन में भी, इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि दिन कम थे, अगर दिन ज़्यादा होते तो हम खुद से अपने ट्रांसपोर्ट करके भी जा सकते थे। ठीक है, अब एक चीज जो वहां से हमें जो जिस एजेंसी के थ्रू हम गए थे वहां से हमें जो चीज मिसिंग लग रही थी वो ये थी कि डिटेल कोई आइटिनरी नहीं थी। आइटिनरी का मतलब ये है कि जो भी आपका प्लान होता है पूरे दिन का वो आप ग्रुप के साथ पहले शेयर करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम मक्का जा रहे हैं ज़्यारात देखने तो आप बता दो कि पहले हम गारे सौर जाएंगे, उसके बाद हम गारे हिरा विजिट करेंगे, फिर आगे जहां जहां पे भी हमने जाना है जन्नतुल वकी देखेंगे, जो भी चीज है वो आप लिस्ट करो कितना टाइम आप एक जगह पे स्पेंड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम गारे सौर जा रहे हैं तो हम वहाँ पे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे ये भी मेंशन हो, हाफ आवर वहाँ स्पेंड कर रहे हैं वो भी मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन हो तो नेक्स्ट अगर किसी ने उतर के देखना चीज़ें उन्हें वो भी आइडिया हो, अगर किसी ने चीज़ें वो मिस करनी है वो भी उन्हें पता हो कि कितने टाइम हम जा रहे हैं, हमने वापस कितने टाइम में आना है ताकि ग्रुप का टाइम भी वेस्ट ना हो। सिर्फ एक ये चीज़ थी जो थोड़ी सी हमें इस ग्रुप में मिसिंग लगी, इसके अलावा ओवरऑल थिंग्स आर गुड, बाकी बहुत अच्छी चीज़ें थी। लेकिन इसमें एक एडिशन मैंने पहले भी किया, अब दोबारा करना चाहूँगा कि कोशिश करें 15 दिन के लिए जाएं, क्योंकि अगर आपका ज़्यारात आपका करने का दिल ज़्यादा है, मज़ीद ज़्यारात आप करना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छे से उन ज़्यारात को जाके देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने जो 80% जो ज़्यारात की हैं वो हमने बस में बैठ के की हैं, बस से राउंड लगा के और वापस आ गए। सो उसमें वो मुझे एक दिली सुकून जो था वो नहीं मिला, जो एक प्लेजर आपको मिलना चाहिए। सो ये एक चीज़ थी जो हमें इस ग्रुप में मिस लगी, उसके अलावा ओवरऑल थिंग्स आर गुड, थिंग्स आर वेल अरेंज्ड, और ये था। और इसके अलावा मैंने आपको कॉस्ट वगैरह बता दिया, कुछ चीज़ तो मैं ऐड करना चाहूँ इसमें कि ये एडिशन हो सकता है, क्योंकि जब मैं लबनान गया था तो वहाँ का जो गाइड थी रबाब उनका नाम था, वो वहीं की लोकल थी, उन्हें इंग्लिश भी आती थी अरबी भी आती थी, ऐसा हो सकता है बेहतर ये रहता है। वैसे ठीक था, हमें उसमें वो नहीं है, लेकिन उसमें ज़्यादा बेहतर ये है कि कोई गाइड जो आपका ऐसा होना चाहिए जिसे अरबी भी आती हो और उर्दू भी आती हो या इंग्लिश आती हो, उर्दू और अरबी आती हो, ताकि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सके चीज़ों को दोनों साइड से। सो ओवरऑल ये जो था हमारा ट्रिप था, 10 दिन का ट्रिप था, कॉस्ट मैंने आपको बता दी है। और जहाँ तक बात है मक्का में और मदीना में खाने की, तो आपका ज़्यादा खर्चा जो है वो खाने पीने में आता है। मदीना में अगर आप हों तो कोशिश करेंगे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से या अरबी रेस्टोरेंट से खाना ना खाएं। मदीना का खाना, मदीना की जो रेस्टोरेंट लाइफ कह लें या रेस्टोरेंट, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मदीना में आप कोशिश करें कि आप जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो नामवर ब्रांड्स हैं, उनसे खाना खा लें। KFC हो गया, हार्डीज हो गया, या मैकडोनल्ड हो गया, इसके अलावा और भी हरम के इर्द गिर्द और भी बहुत सारी शवारमा शॉप्स हैं जो 24 आवर ओपन रहती हैं। सो आप उनसे कोशिश करेंगे शवारमा वगैरह लेके, इस तरह की चीज़ें लेके आप खा लें। ये मदीना में मैं बता रहा हूँ। और अगर आप मक्का में हैं तो मक्का का खाना बहुत अच्छा है, हरम के इर्द गिर्द खाना बहुत अच्छा मिल जाता है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और क्लॉक टावर में तो पूरा एक फूड कोर्ट बना हुआ है। वहाँ पे खाना थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन अच्छा है। अगर आप क्लॉक टावर से नहीं खाना चाहते तो आप लोकल मार्केट से खाना खा सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं ये ऐड करूँगी खाने के अलावा, स्पेशली अगर मदीना में, अगर आपको डिफरेंट ब्रांड्स जो फूड ब्रांड्स हैं उनके वहाँ पे जाने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो एटलीस्ट 3-4 किलोमीटर्स आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर आप टैक्सी यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको चार्ज करते हैं, और अगर आपसे वो कोई एस्टिमेट भी मांगे कि आप बता दें कि आप रेट देंगे तो, क्योंकि पहली दफ़ा गए हुए हैं या अगर आप एक दो बार गए भी हो तो इतना अंदाज़ा नहीं होता कि कम से कम भी हम उन्हें कितना रेट बताएं। फॉर एग्जांपल, अगर वो 1 किलोमीटर के 50 रियाल चार्ज कर रहे हैं तो आप कम करते करते मे बी 40 रियाल तक आप उन्हें दे दो, बट स्टिल 1 किलोमीटर के लिए बहुत ज़्यादा है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि वहाँ पे आप ऊबर इंस्टॉल करें, और जैसे हम पाकिस्तान में ऊबर यूज़ करते हैं वहाँ पे ऊबर यूज़ करो, कम से कम आपको 8-10 रियाल के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर बहुत अच्छे ही आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और 8-10 रियाल में आपको 1 किलोमीटर जो वो इजी 1-2 किलोमीटर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा
8 to 10 रियाल में ज्यादा सफर कर सकते हो, 1 किलोमीटर नहीं ज्यादा कर सकते। किन्ज़ा का कहने का मतलब मकसद ये है कि आप वहाँ पे लोकल टैक्सी यूज मत करें, उबर का यूज करें, क्योंकि लोकल टैक्सी वहाँ पे आपको वो छल लाने में हमने जाना था एक दिन 5-6 किलोमीटर दूर से जहाँ हमने जाना था, तो टैक्सी वाले ने हमसे मांगे 50 रियाल। मैंने कहा यार ये इतना महंगा, 3 किलोमीटर हमने जाना था। और फिर मैंने उसी टाइम उबर इंस्टॉल करके देखा तो हमने 11 रियाल में हम वहाँ पे हो आए थे और 11 रियाल में 10 रियाल में वापस आ गए थे। मतलब हमारा आना जाना टोटल 20 रियाल में या 22 रियाल में हो गया था, वैसे वो एक साइड के 50 रियाल मांग रहा था। सो ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। तमाम चीजें मैंने गाइड कर दी हैं, खाने के हवाले से भी गाइड कर दिया है। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अल फतह जो है टूर एंड ट्रेवल कंपनी का नाम है जिनके थ्रू हम गए थे, इनकी डिटेल जो है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इनके और भी टूर जाते रहते हैं, बाकू भी आजकल लेके जा रहे हैं और इसके अलावा दुबई वगैरह भी ये लेके जाते रहते हैं। तो इनका फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे इनकी तमाम डिटेल्स और नंबर वगैरह कॉन्टैक्ट वगैरह आपको इनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हर चीज़ जो है इनके फेसबुक पेज पे मिल जाएगी। फेसबुक पेज और कॉन्टैक्ट अगर मेरे पास हुए तो मैं इनको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन मिस हुई है तो मैं आपको कमेंट में इसका जवाब जरूर दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको कम लग रही है इन्फॉर्मेटिव तो आप मेरे पिछले व्लॉग्स जाके देख सकते हैं, 7 से 8 व्लॉग्स हैं। अगर आप उनको प्रॉपरली पूरा देखें तो आपको किसी किस्म की गाइडलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छे से आप उम्रा के हवाले से गाइड हो जाएंगे। सो एंड कर दो। Don't forget to like, share and subscribe. शेयर कर दियो पाजी ते लख जिहड़े सब्सक्राइबर ने हो गए ने ओदी उड़दी वीडियो बाद च पावांगे। अल्लाह हाफिज़। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, रामेश रिजवान CH बोलिएगा मत।